कैसी लगी फिल्म? अच्छा लगा, मूड अच्छा हो गया एक्चुअली. एंटरटेनिंग है, मस्ती, मतलब बोलते हैं ना पूरी देशभक्ति के ऊपर है, लेकिन एंटरटेन किया है, वो मेन होता है. क्या बात है. पब्लिक ताली वाली बजा रही थी कुछ शॉट्स में, वो देशभक्ति की भावना भी जाग रही थी. तो पिक्चर मजा आया. क्या कह रहे थे, सिद्धार्थ मल्होत्रा बैक टू बैक शेरशाह हो गया, मिशन मजनू हो गया, अभी योद्धा, एक पेट्रोटिज्म के साथ एक एंटरटेनमेंट का तड़का लेके आते हैं, वो कैसा लगा? मुझे तो लग रहा है कहीं वो मिलिट्री ना ज्वाइन कर ले. नहीं, वो ऐसे मतलब जब उनकी शुरुआत हुई थी तब रोमांटिक रोल्स हुई थी, लेकिन धीरे धीरे इम्प्रूव कर रहे हैं. क्या बात है, मतलब आने वाले समय में ये लोग सब सुपरस्टार्स में होंगे. और बॉडी वॉडी भी उन्होंने अच्छी बना ली इस पिक्चर में, कियारा ने काफ़ी सुधार दिया. तो इंटरेस्टिंग है, और पूरी पिक्चर उन्होंने अपने कंधे पर उठाई, सबसे बड़ी बात, और बोर नहीं होने दिया. पूरी पिक्चर एंटरटेनिंग थी एंड तक. पिक्चर का लास्ट सीन मुझे बहुत पसंद आया, तो वो बहुत ही मजेदार था. मैं बोलूंगी नहीं, नहीं तो पब्लिक क्या देखेगी. लेकिन इंटरेस्टिंग था, मजा आया. स्टोरी लाइन कितनी अच्छी तरीके से प्रेजेंट की गई, अच्छी तरह से प्रेजेंट की. मतलब कहीं कहीं थोड़ा सा लग रहा था कि कार चला रहे क्या, प्लेन चला रहे. अभी रोको 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 बोलते ना, ये हम लोग एक्चुअली कार रोकते हैं वैसे. तो वो थोड़ा सा था ड्रामेटिक, लेकिन एंटरटेनिंग है तो सब चलता है. क्या बात, तो इसलिए वो भी चल गया, मजा आया. सिद्धार्थ की दिशा और सिद्धार्थ की राशि, कौन सी पेयरिंग सबसे बेस्ट लगी आपको? पेयरिंग तो ये लोग का था ही नहीं पहली बार. लेकिन राशि खन्ना अच्छी एक्टिंग की है उसने, सिंपल रोल है उसका, लेकिन आगे चल के मुझे लगता है वो राइज करेगी. और दिशा पाटनी अपने हर रोल में सूट हो जाती है, चाहे वो आइटम डांस हो, चाहे वो सिंपल रोल हो, या ऐसा उनका एक पिक्चर में मर्डर भी होता है, वो पिक्चर में भी उन्होंने बहुत अच्छा काम किया था. मतलब वो एक्टिंग अच्छी कर, सिर्फ इतना है कि थोड़ा मोटा होना चाहिए, बहुत पतली हो गई. क्या लगता है जब लोग फिल्म देखेंगे उनको पसंद आएगी? 100% पसंद आएगी. इज देयर एनी पर्टिकुलर मोमेंट व्हिच वाज सिटी मार तालिबान फॉर यू? ऐसा कौन सा पर्टिकुलर मोमेंट रहा है? हाँ, एक तो लास्ट वाला सीन बहुत अच्छा है. दूसरा वो डायलॉग बार बार बोलता है ना, कहीं वक्त ना निकल जाए. वो जो हिंट देता है, तो वो भी मज़ा आया देखने में. और मतलब मोस्टली वो प्राइम मिनिस्टर के साथ शॉट्स है, वो भी बहुत अच्छा है. और जो उन लोग का प्रेजेंटेशन है कि मतलब कैसे चलते हैं प्राइम मिनिस्टर के साथ, कैसे बात करते हैं, और कहीं ना कहीं ये मतलब पिक्चर में मेन हर पिक्चर में दिखाते हैं कि सरकार के आगे सामने वाले को झुकना पड़ता है. क्योंकि सरकार, पुलिस, कानून के आगे हम लोग को, अगर हम लोग सच्ची भी हैं तो भी हम लोग को हार माननी पड़ती है, वो पिक्चर में दिखाते हैं. लेकिन बोलते हैं ना, जीत हमेशा सच की होती है, तो थोड़े से लोग भी वो जीत हासिल कर ले. मतलब आदमी को तो अपना ये नहीं छोड़ना चाहिए, भले कोई कुछ भी बोले, अगर हम सच्चे हैं तो अकेले भी खड़े रहेंगे ना, तो भी हमारे साथ पब्लिक आएगी. हाँ, वैसा पिक्चर में दिखाई. मैं दूंगी 3. फिल्म देखिए, कैसी लगी फिल्म? फिल्म तो बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी, मतलब बहुत ही अच्छी है. पहले तो इंडिया पाकिस्तान टॉपिक पे, सेकंड टेररिस्ट के ऊपर है, उसके अंदर कश्मीर का मुद्दा है, फिर हमारे इंडिया और पाकिस्तान दोस्ती का भी मुद्दा है. यानी कुछ ऐसे 4-5 मुद्दे लेकर फिल्म बनाने की कोशिश की है, लेकिन पॉइंट ऑफ व्यू अलग अलग है. लेकिन इसको फिल्म को बनाया बहुत अलग तरीके से. और ये अभी अभी फाइटर आई थी, पूरा सीज़न भी ऐसे इंडिया पाकिस्तान टॉपिक पे चल रहा है, तो मज़ा भी आ रहा है देखने के लिए. लेकिन कुछ मज़ा आने के बाद में जो इतने सालों में नहीं देखने मिलता है, वो अब देखने मिल रहा है. ये 10-15 साल के अंदर अभी देखने मिल रहा है, ये भी खुशी हो रही है. जो जो टॉपिक हमको नहीं पता है, वो भी टॉपिक बाहर आ रहे हैं. और ऐसे ऐसे पॉइंट इसके अंदर बताया है कि भाई, हमारे साथ में माहौल में रहने वाले हमारे देश के खिलाफ को उन्हें बोल नहीं सकते. सबसे पहला हमारा देश होता है, उसके बाद हम परिवार होते हैं, उसके बाद अपना बिजनेस व्यवहार जो भी कुछ कारोबार होता है, ये फिल्म के अंदर बताया है. और सबसे ज़्यादा मतलब मेहनती, हमारे मेहनती बोलते हैं यार, हमारे जान लगाने वाले हमारे देश के लिए, वो हमारे सुरक्षा कवच है, आर्मी जो भी कुछ है, जो एक योद्धा टास्क फोर्स के लिए लड़ते रहता आखिर तक, ये भी फिल्म में बताया. और मेरे को शेरशाह की याद आ गई है. शेरशाह, मिशन मजनू और अभी योद्धा, बैक टू बैक सिद्धार्थ मल्होत्रा विद पेट्रोटिज्म या फिर एक्शन का जो तड़का लेके आते हैं हमेशा, क्या लगता है लोगों को, क्या नया अपन इस फिल्म में देखने मिलेगा? भाई, ये फिल्म के अंदर ये टॉपिक तो मैंने बता दिया, लेकिन फिल्म के अंदर पूरा ही नयापन है जो योद्धा के ऊपर है. योद्धा के ऊपर मतलब आप समझ जाइए, हीरो, योद्धा यूनिट. हाँ, ये हीरो अपना जो अच्छे अच्छे अच्छा एक्शन भी देता है, और अच्छा स्टंट भी बहुत अच्छा बताया इसके. स्टंट मास्टर का भी बहुत अच्छा काम है, जिसने अच्छा एक्शन दिया है. जो फ्लाइट के अंदर ही है, लेकिन बोर नहीं होता, जो फ्लाइट घूमती है फिर भी उन्होंने पलटी नहीं बताया है. फिल्म है अच्छी तरह से शूट अच्छा किया है, तो मज़ा भी आता है देखने के लिए. काम वगैरह सब लोगों का कैसा फिल्म है? दिशा पाटनी, राशि खन्ना भी है. दिशा पाटनी का काम तो अच्छा ही है. नेगेटिव अवतार कैसा लगा आपके?
देखने मजा आया उनके एक्शन की काफी तारीफ हो रही है। एक्शन तो देखो कैसा है, एक्शन तो कतरीना कैफ भी करती थी। जैसा एक्टर काम करवा के लेगा उसी को एक्टर बोलते हैं। जो काम चाहिए, चाहे भीख मांगने का काम वो अच्छी तरह किया तो भीख मांगने का और परफेक्ट एक्टर है बोलते हैं। इसी तरह दिशा पटनी का भी काम अच्छा है। सबसे बड़ा फोकस उसके योद्धा के ऊपर दिया, बहुत अच्छा काम है उसका। फुल पैसा वसूल है। गाने वगैरह फिल्म के कैसे हैं? फिल्म में एक दो गाने ठीक है, लेकिन ठीक है, नॉर्मल गाने हैं बस। और एक ये है कि भाई जो हमारा देश का उसका पिताजी रहता है वो भी योद्धा रहता है, कमांडर रहता है, वो भी देश के लिए जान देता है और ये भी देश के लिए बचपन से उसको ये रहता है कि मैं अभी देश के लिए लड़ूं और ये लड़ते रहता है। और मैं कहता हूँ हर देश, हमारे देश के अंदर हर आदमी के दिल में प्यार होना चाहिए, हमारे सोल्जर के लिए, हमारे आर्मी के लिए, हमारे नेवी के लिए, सबके लिए, क्योंकि वो लोग हर पल एक एक सेकेंड उनके लिए ज़िंदगी मौत साथ में लेके चलते हैं वो। और ऐसी फिल्म बनाना चाहिए, बनना भी चाहिए और हमें उनको ऐसी फिल्मों को प्यार भी देना चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ ब्लॉकबस्टर दो, लेकिन फिल्म एक बार आके ज़रूर देखो। जाते जाते क्या रेटिंग देंगे सर? दे दूंगा मैं, लेकिन वन टाइम वॉच है, 100% वन टाइम वॉच है। फिल्म देखिए कैसी लगी? फिल्म बहुत अच्छी है, क्या नहीं अच्छा लगा है फिल्म का? ज़बरदस्त एक्शन, सिद्धार्थ मल्होत्रा। एक्चुअली जब सिद्धार्थ मल्होत्रा को अपना कोई भी एक्शन में कोई देख रहा है ना कि ऐसी स्टोरी पे बेस्ड है, तो वो शेरशाह को रिमाइंड करते हुए देख रहा है। कुछ कुछ पार्ट में ऐसा लग भी रहा था कि हाँ ये शेरशाह वाले में फिर से कुछ ऐसा ही इंटरेस्टिंग देखने को मिलने वाला है। तो वो स्टोरी पे एक्शन तो ज़बरदस्त था ही, स्टोरी पे भी बहुत ज़बरदस्त काम किया गया था। ओवरऑल फिल्म बहुत अच्छी है, बहुत मतलब बहुत अच्छी। क्या इंटरेस्टिंग आपको इस फिल्म में देखने मिला, क्या नयापन फिल्म में देखने मिला? प्लेन जब हाईजैक हुआ था, जब वो विलन बना था, तो प्लेन जब वो मतलब वो घूमी थी जिस तरीके से, तो सिद्धार्थ ने ना वो विलन को पैर से जो मारा था ना, वो सबसे बेस्ट मोमेंट था। जिस तरीके से उसने मैग्नेट को निकाला था वो सही सही तरीका था, जिस तरीके से शॉक दिया था उसको वो भी बहुत सही था, अच्छा लग रहा था वो, बहुत अच्छा। मतलब बोलते हैं ना, हीरो में कोई कमी नहीं थी हमारे इस बार। कहानी वगैरह कितनी इंटरेस्टिंग है, कितनी बिठा के रखती है? हर जगह पे है कि मतलब नेक्स्ट मोमेंट पे क्या होगा, नेक्स्ट मोमेंट पे क्या होगा। जिस तरीके से उसने योद्धा यूनिट के कमांड पकड़ के रखी थी, जहाँ पर उसने पर्सनल प्रोफेशन में भी अपने को प्रोफेशनल लाइफ ज़्यादा चुनी, पर्सनल लाइफ में तो उसका बर्बादी हो गया था, ऑलमोस्ट डाइवोर्स हो गया था, निकल लिया वो। लेकिन जिस तरीके से था, फिर वहाँ पर एक मैसेज आया था, उसको कोड आ रहे थे, ये थोड़े थे कि हाँ कौन है, मुझे तो डाउट जा रहा था उसकी बाजू वाली है कि वो मैसेज डाल रही है उसको। लेकिन फिर हाईजैक हुआ, फिर उसमें मिशन बनते गए, तो ओवरऑल स्टोरी है ना हर बेस पे है कि आगे क्या होगा, आगे क्या होगा, कौन होगा इसका, रिवील कौन करेगा इसको, कैसे ये बचेगा उधर से, पाकिस्तान वाले तो छोड़ेंगे नहीं इसको, चली जाएगी प्लेन उधर तो हमारे पैसेंजर भी चले जाएंगे। सबसे बोलते ना इमोशनल मोमेंट था जब वो अपने मिशन में फेल हो गया था, जब वो प्लेन को पकड़ने के लिए दौड़ता है लेकिन वो पकड़ नहीं पाता, पीछे मिशन फेल हो जाता, तो ये था कि कहीं ना कहीं था कि अब ये क्या करेगा, अब तो ये स्ट्रांग हो गया, अब नेक्स्ट मोमेंट पे ये क्या लेकर आएगा। ये तो बहुत अच्छी स्टोरी, बहुत बेस्ट थी। काम वगैरह फिल्म में सब लोगों का कैसा है? काम भी बहुत सही था, जिसने सिद्धार्थ भी दिशा, हाँ सिद्धार्थ मल्होत्रा, मुझे ऐसे लग रही है, लग रहा है कि सिद्धार्थ मल्होत्रा दिशा पाटनी के साथ रहते तो थोड़ी जोड़ी बनती, क्योंकि राशिद मुझे ऐसे लग रही थी ना इमोशनलेस है, या फिर कोई बोलते ना वो चीज़ पे पकड़ नहीं पा रही है कि डिवोर्स हो रहा है तभी भी देखे जा रही है ये, जहाँ पर वो कार में रोती है, हाँ सेम इमोशंस ही लग रहे हैं, कुछ भी करके आ रही है, हाँ वही तो है पिछले वाले का ही उठा के वो मुझे ऐसा लग रहा है। दिशा पाटनी का कुछ नया लुक था, और रिवील भी हुआ है उसका कैरेक्टर, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि वो फिल्म बहुत बेस्ट है। युद्ध से यही है कि ये फिल्म जाए देखने के लिए, क्योंकि हर ये स्टोरी बहुत अच्छी है, मतलब पकड़ के रखेगी आप लोग को। क्या रेटिंग्स देंगी 5 में से आप? 3.5। थैंक यू मैम, थैंक यू।